हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और नई वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी देने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स की परमानेंट रिक्वायरमेंट अभी लगातार आ रही है। इसी बीच स्टाफ नर्स की एक और नई रिक्वायरमेंट आ चुका है। अब इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल्स जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से ले लेते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च करें मेडिकल जॉब, और इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप लोग जुड़ करके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या कोई भी नई नई वैकेंसीज आती है तो उसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP की तरफ से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। और ये रिक्वायरमेंट ITBP जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। अगर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं तो ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट में भी है या फिर INC में भी है तो कहीं से भी हो तो आप लोग बिल्कुल रूप से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखोगे तो मेन पॉइंट दिखा देते हैं। मेल और फीमेल लिखा हुआ है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, बता दूँ स्टाफ नर्स पोस्ट का नाम है, सब इंस्पेक्टर भी इसे यहाँ पर कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे आओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन अप्लाई का जो बात होगा वो ऑनलाइन अप्लाई आप लोग को 17 अगस्त से शुरू हो चुका है। 17 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर 2022 तक का आप लोग यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 सितंबर 2022 से पहले सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल रूप से अप्लाई कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर पूरे डिटेल्स जानकारी और भी ले लीजिए। सीट डिटेल्स यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो सीट डिटेल्स देखोगे तो UR में 11, SC में 1, ST में 2, OBC में 2, EWS में 2 और टोटल 18 सीटों के लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर सैलरी भी देख लीजिए, सैलरी बहुत अच्छी खासी है। लेवल 6 यहाँ पर सैलरी है, यानी कि स्टार्टिंग में 35,400 से 1,12,400 आपको मिलेंगे। ये बेसिक सैलरी रहेगा, इसमें सब कुछ जोड़िएगा तो आपको 45-55,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएंगे। दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ेंगे अगर इसी वीडियो में, तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि आपके क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 12th पास होना चाहिए, 12th पास आउट रहना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ। साथ ही दोस्तों, GNM का कोर्स अगर आपने कंप्लीट कर चुके हो, GNM कंप्लीट है तो बिल्कुल रूप से आप यहां पर अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो स्टेट में भी अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। INC में है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल में है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, एक डिजायरेबल में है 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 3 ईयर का है तो ठीक है, नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकेंगे। अब चलिए दोस्तों, हम इसके लिए बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन फी कैसे लगेगा, कितना लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर अप्लाई करने के लिए बात करोगे तो अप्लाई करने का एक सिंपल सा रूल है, आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट का नेम www.recruitment.itbppolice.nic.in ये लिंक है, हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल चुके हैं। आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके बिल्कुल रूप से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, और मैं यहाँ पर बात करूँगा कि एप्लीकेशन फ़ी का, तो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना है जनरल वाले को, OBC वाले को और EWS वाले को। जो मेरे भाई बहन SC ST के हैं उन सारे सिस्टर ब्रदर को एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। दोस्तों, हमें लग रहा है कि आपको लगभग में सारी कंप्लीट जो मेन पॉइंटेबल होता है आपको जानकारी मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई डॉट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट का जवाब आपको तुरंत मिल जाएंगे। और साथ ही ऑल इंडिया से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, ANM JNM से रिलेटेड कोई नई रिक्वायरमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे मेरे इस न्यू YouTube चैनल को। बाय बाय।